हेलो फ्रेंड्स, आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए टेबुलेटर व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय मिस्टेक इंटर 68 इंस्टेड ऑफ 86 एंड ऑब्टेन द एवरेज एज 58। द एक्चुअल एवरेज मार्क ऑफ दोज स्टूडेंट इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज मार्क्स 100 स्टूडेंट का जब निकाला जा रहा था तो गलती से 68 एंटर किया गया, मतलब 68 ले लिया गया, लेकिन लेना क्या चाहिए था नंबर 86 लेना चाहिए था और एवरेज निकल के आया 58। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल में क्या एवरेज होगा वो बताइए। तो जो नंबर इंटर किया गया वो क्या था, 68 था। जो नंबर होना चाहिए था इंटर वो क्या है, 86। इट मींस जो इंटर हुआ वो कम है और जो इंटर करना चाहिए था वो ज्यादा है। तो जो एवरेज आया है वो हमारा क्या एवरेज होगा, इंक्रीज करेगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 से ये एवरेज होगा इंक्रीज करेगा, लेकिन 18 से नहीं इंक्रीज कर सकता। क्यों? क्योंकि 18 तो वो डिफरेंट वैल्यू है, उसको हमें इन 100 स्टूडेंट के बीच में बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.18 आएगी। 0.18 वो वैल्यू है जिससे ये एवरेज इंक्रीज कर जाएगा। इनिशियल जो एवरेज की वैल्यू थी 58, उसमें ऐड कर देंगे 0.18, जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 58.18। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।